तिरप चंगलंग लोंगडिंग ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड करने के लिए आज तीनों डिस्ट्रिक्ट से, तिरप चंगलंग और लोंगडिंग तीनों डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा हुआ है। इसमें जितना पंचायत मेंबर्स जेडपीएम जेडपीसी लोग थे, उसके बाद गांबुरास थे और सीबीओ जितना भी है तीनों डिस्ट्रिक्ट का, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे और राजास और चीफ थे, और तीनों डिस्ट्रिक्ट से कम 800-900 आस पब्लिक जमा हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग का पुराना डिमांड है, पहले पाटकाई ऑटोनोमस डिमांड कर रहा था, अभी हम लोग उसको थोड़ा नॉमेनक्लेचर को चेंज करके तिरप चंगलंग लोंगडिंग ऑटोनोमस काउंसिल मांग रहा है, वही है। देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें पब्लिक का डिमांड और पीपुल्स का वॉइस तो लोएस्ट प्रायोरिटी में रखता है, सुना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग भरोसा है कि जरूर सुनेंगे हम लोग का जो डिमांड जो है, क्योंकि ये अभी अभी फिलहाल का डिमांड नहीं है, पुराना डिमांड है, पहले से 15-16 साल पहले भी था, अभी हम लोग उसको फिर ये कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो जरूर सुनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारे प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर, ये लोग भी तो जरूर, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, अभी सुनेंगे हम लोग, ये पूरा भरोसा है। ये सबको पता है ड्यूटी सेल फंड जो है लिमिटेड है, उस वो 12 एमएलए में अपना अपना थोड़ा थोड़ा शेयर हो जाता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड में, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी में होता ही है, तभी भी पॉपुलेशन का हिसाब से वो बहुत कम है। तो हम लोग ये ऑटोनोमस मिलने से सर्टेन एरियाज में हम लोग को ऑटोनोमी मिलेगा, एग्जाम्पल डेवलपमेंट पैकेज तो आएगा ही, प्लस एम्प्लॉयमेंट जो है फॉर सर्टेन कैटेगरीज, ये ऑटोनोमस का हाथ में रहेगा, ऑटोनोमस ही अपना में ही अपॉइंटिंग ऑथोरिटी रहेगा, और अपना ही लड़का बच्चा जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड लोग है, ये लोग को मौका मिलेगा। ये गलत है, ये गलत बोलना है कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए ये हो रहा है, ये तो पॉपुलर डिमांड है तिरप चंगलंग लोंगडिंग का, पहले से हो रहा है, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो अभी समय है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एटीट्यूड है जितना तक हम लोग जानता है, तो हम लोग उसी का हिसाब से अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शन से कोई इसमें लेना देना नहीं। और यही नहीं है कि इलेक्शन आया खत्म हो गया ये डिमांड खत्म हो जाएगा बोल के, नहीं है। अगर ये इलेक्शन का पहले अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर देता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं होता है तो हम लोग इलेक्शन का बाद भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, डिमांड तो हम लोग जारी रखेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग था और मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए। पहले अफसू ने जो मिसअंडरस्टैंड किया था वो तो ये हो गया, क्लियर हो गया, और अभी अफसू खुद ही इसमें एक ये है पार्ट है, सब मिलके तो अरुणाचल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्स शेड्यूल स्टेट में लाना है बोल के यूनानिमसली पास किया है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जरूर होने से अच्छा है। तो अभी ऑटोनोमस डिमांड कर रहा है ये अफसू वाला, क्यों अफसू अगेंस्ट करेगा? हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए अफसू, क्योंकि कल सिक्स शेड्यूल आ जाएगा तो कहीं भी जो भी बिछड़ा हुआ कम्युनिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो डिमांड कर सकता है वो, ये तो अपना डेवलपमेंट के लिए है ना। अगर हम लोग अपना बैकवर्डनेस के लिए, अपना डिप्राइवेशन के लिए, अपना गरीबी के लिए हम लोग डिमांड कर रहे थे, उसमें क्या खराब है? और कल हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग के लिए, बिछड़ा हुआ लोग के लिए, बैकवर्डनेस के लिए फाइनेंशियल पैकेज देंगे, तो उसमें अफसू के लिए क्या इतराज होना चाहिए? उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लोग, दूसरा जो कम्युनिटी लोग अगर कॉल मांगेंगे तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग कभी अगेंस्ट नहीं करेंगे।
आज पब्लिक आया नहीं बोल के नहीं बोल सकते, बहुत का आज जो टर्न अप जो है अच्छा था। हम लोग उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना आएगा बोल के, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोटिस में 3-4 दिन में ये फैसला किया कि हम लोग मीटिंग करना पड़ेगा बोल के। वैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे बोल के प्लानिंग था, लेकिन समय का कमी की वजह से हम लोग एक जगह में ही हम लोग केंद्रित हुआ है। तभी भी जितना शॉर्ट नोटिस में जितना जिन जिन को भी बुलाया है, पूरा पंचायत बॉडीज टर्न अप हुआ है, जितना एनजीओ सीबीओ सब आया है, और जितना वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लोग है, हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस मीटिंग में। और हम आशा करते हैं और मैं अनुरोध करूंगा, जितना भी टीसीएल का सीबीओ एनजीओ लोग है, जितना भी पब्लिक है, जितना गांव बुरा रायास है, सब आने वाला दिन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे बोल के मैं उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ। और नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम लोग पीसफुल रिली करने वाला है, शायद ये महीना लास्ट नहीं तो नवंबर में, उसमें तो और भी जितना पब्लिक चंगलांग तीरप और लोंगडिंग ये तीनों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और लेने से अच्छा है बोल के मेरा ये अपील है। थैंक यू मीडिया। देखिए हम लोग का जो पीसीएल डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग उस जमाने से हम एक डिस्ट्रिक्ट था, पीसीएल फ्रंटियर ट्रैक में था, तिरप फ्रंटियर ट्रैक में। तो सिंस मैंने तब से हम लोग क्या बोलेगा अंडर असम एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को अनएडमिनिस्टर्ड एरिया में रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का जो असम का जो पॉलिटिकल असिस्टेंस है पॉलिटिकली गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस है, हम लोग तक नहीं पहुंचता था गांव गांव। कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग उस जमाने से ही ऐसे गवर्नमेंट ने क्या बोलो अनएडमिनिस्टर्ड एरिया में हम लोग को ऐसे फेंक के रखा हुआ है। तब से हम लोग अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया। तो हम लोग का पीसीएल का अभी भी जियोग्राफिकली या सब ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटेजिकली हम लोग सब देखा जाए तो हम लोग मतलब ऐसा लोकेशन में है कि ना उधर ना इधर, असम से नागालैंड से हम लोग का बर्मा से, तो बहुत सा मतलब ऐसा लोकेशन में हम लोग रखा है, हम लोग खुल के भी कुछ काम नहीं कर पाता है। मेन स्ट्रीम में हम लोग ईटानगर तक भी पहुंच हम लोग का नहीं है कहा जाए तो। और सिंस उसी तब से हम लोग का जो एजुकेशन बैकवर्ड होके आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोग को गवर्नमेंट असम का अंडर में रखा गया। मार्गिता में एक पॉलिटिकल असिस्टेंट था, सुनने में आया पॉलिटिकल ऑफिसर, तब से हम लोग का इतना गांव गांव तो गवर्नमेंट तो नहीं आया। तो हम लोग जनरेशन जनरेशन हम लोग अनएजुकेटेड होते गया, बच्चा लोग को पढ़ाने नहीं सका। तो हम लोग अभी चाहता है कि जो हम लोग का जो होना चाहिए था अभी का 21st सेंचुरी में, हम लोग उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है एजुकेशनली या सोशली या जो भी हो, डेवलपमेंट का तौर पे देखा जाए तो हम लोग बहुत ही पीछे है। इसलिए हम लोग का जो रीजनल ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग डिमांड किया है, इस जेन्युइन आप लोग, मैं बताने में कहीं ना कहीं भूल चुक हुआ हो, लेकिन ऐसे डीपली आप लोग रिसोर्स से, कई लोकलिटी से, कहीं से भी आप लोग बुजुर्ग लोग से व फ्रॉम एवरी गवर्नमेंट सोर्सेस इंटेलिजेंस से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं डाटा सही में पीसीएल का कितना दुख तकलीफ में है। कल परसों ही हम लोग को ट्राइब रिकॉग्निशन किया है, हम लोग अंडर एनी नागा ट्राइब में स्टेटस में रखा गया है। हम लोग को कहीं ना कहीं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में भी हम लोग पार्टिसिपेट करने में डिप्राइव किया गया था। सारा बोर्ड बोला जाए तो अभी हर और कितने ऑफिसर्स है अरुणाचल में स्टेट में, वो सेंट्रल का तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत लो परसेंटेज में। वेयर इज फ्रॉम वन कम्युनिटी कितना आईएएस ऑफिसर है, कितना ब्यूरोक्रेट्स है, कितना मतलब करोड़पतिस बिलियनर्स हो गया। हम लोग का जो एकदम गिना चुना उसमें भी ऐसा हम लोग का जो लोकेशन ऐसा हो गया कि स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग बहुत खराब जगह में होके अभी कहीं गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी एजेंसी है वहां से भी हम लोग को सप्रेस करता है, मैंने
आसपा इन द नेम ऑफ आसपा और कुछ बाकी गवर्नमेंट का जो हम लोग को फंडिंग होता है हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाते हैं। हम लोग को वो यूजी से भी हम लोग को बहुत सप्रेस करते हैं, हम लोग को फ्रीडम नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी मिलिट्री जो है एजेंसी वहां से भी हम लोग को बहुत सप्रेस करता है इन द नेम ऑफ आसपा, और ना घर ना घाट का टाइप का हो गया हम लोग। तो हम लोग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वो समय भी हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाते हैं विद माने अदर एडवांस ट्राइब्स वो लोग। इसलिए हम लोग को बाहर से आके हम लोग को जितना भी क्रोर्स फंड है बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स असम का और बाहर अदर ट्राइब्स का लोग आके वो लोग एडवांटेज उठाते हैं। हम लोग उसमें कोई फार्म बनाने भी नहीं सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर पार्टिसिपेट करने भी नहीं सकता है। ये रियली मैंने सॉरी टू से मैंने हम लोग एकदम ये स्टेटस में है, हम लोग बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहा है एक युवा और एक माने जाना हम लोग जानकारी लोग पीपल लोग। थैंक यू।